नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। उफान पर है पुनपुन नदी, बढ़ गई है बाढ़ की संभावना। पुनपुन नदी का पानी खतरे के निशान से 293 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाने से पटना गया रेलखंड पर पानी चढ़ गया है, जिसके कारण गया रूट पर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। शाम ढलते ढलते पटना से गया जाने वाली 5 पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, जबकि पटना से खुलने वाली गंगा दामोदर, इस्लामापुर हटिया और बरकाकाना पलामू एक्सप्रेस को वाया क्यूल होकर बदले मार्ग से चलाया गया है। शुक्रवार को भी इस खंड का परिचालन प्रभावित रहेगा। बाढ़ का जायजा लेने बिहार दौरे पर आए केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम। बिहार में बारिश के कारण पटना समेत कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जलजमाव के कारण पटना का हाल ही बेहाल हो चुका है। बारिश रुकने के बावजूद कई इलाकों में पानी जमा हुआ है। बिहार के बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम शुक्रवार को पटना पहुंची। इस टीम में राइस रिसर्च केंद्र के वीरेंद्र सिंह, जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक मुकेश कुमार सिंह, मुख्य अभियंता आरपी सिंह, एचआर मीणा एवं लवकुश सिंह शामिल हैं। आईपीएस अधिकारी की तारीफ में बोले अजय आलोक। जदयू नेता डॉक्टर अजय आलोक बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की तारीफ की है। अजय आलोक ने यूट्यूब का लिंक शेयर कर ट्वीट किया है कि बिहार के सपूत को ये कहानी उनकी जुबानी। अपने इतिहास पर हमेशा गर्व था और रहेगा। वर्तमान सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है, तभी भविष्य उज्जवल होगा। आपको बता दें, शेयर्ड वीडियो में विकास वैभव अपने संघर्ष के दिनों को याद करके अपने इतिहास पर गर्व होने की बात कह रहे हैं। बीपीएससी ने ज्योग्राफी विषय के लिए किया मेरिट लिस्ट में बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात ज्योग्राफी विषय में लेक्चरर के मेरिट लिस्ट में बदलाव किया है। बदलाव होने से तिलका मांझी विश्वविद्यालय में 1.5 साल नौकरी करने के बाद आरती कुमारी को बाहर कर दिया गया है। वहीं अब तक चयन प्रक्रिया से बाहर रहने वाले प्रशांत कुमार को बीपीएससी की ओर से जारी की गई परिवर्तित मेरिट लिस्ट में जगह मिल गई है। जल्द ही प्रकाशित होगी रामविलास पासवान की बायोग्राफी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान की बायोग्राफी का प्रकाशन जल्द ही किया जाएगा। पासवान की बायोग्राफी पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखी है, जिसका प्रकाशन मशहूर कंपनी पेंगविन हिंदी करने वाला है। इस पुस्तक में बचपन से लेकर उनके राजनीतिक करियर और राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी जिक्र किया गया है। दरौंदा से चुनावी मैदान में उतरेंगे 11 प्रत्याशी। आगामी विधानसभा उपचुनाव में दरौंदा सीट से 11 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। वहीं प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव के मद्देनजर शहर के मोती स्कूल में ईवीएम को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिला के डीएम रंजिता ने बताया कि चुनाव के दौरान 407 ईवीएम सीयू बीयू व 439 वीवीपैट इस्तेमाल किए जाएंगे। बाढ़ के पानी से खेत की सब्जियां हुई खराब, बढ़ गए सब्जियों के दाम। बारिश के कारण हुए जलजमाव से खेतों में उपज रही सब्जियां खराब हो गई हैं, जिसके बाद बाजार में सब्जियों के दाम में 3 गुना इजाफा हो गया है। हालांकि अभी सब्जियों को बाहर से मंगवाने की नौबत नहीं आई है। सब्जियों के दामों में अगर इसी तरह इजाफा होता रहा तो लोग सब्जियां खरीदना भी कम कर देंगे। एसबीआई के कई एटीएम हुए खराब। भागलपुर शहर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आधा दर्जन से ज्यादा एटीएम खराब हो चुके हैं। एटीएम खराब होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैश ना मिलने की वजह से एक एटीएम से दूसरे एटीएम का चक्कर काटने पर लोग मजबूर हो गए हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि सभी खराब मशीनों को दुर्गा पूजा के बाद ही बदला जा सकेगा। ऐसे में लोगों को पूरे त्योहार तक कैश की समस्या से जूझना पड़ सकता है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने अपने खाली पदों को भरने के लिए जारी किया ज्ञापन। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की खाली बची सीटों पर नामांकन पूरा करने के लिए छात्रों ने छात्र कल्याण अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। छात्र जदयू के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष अजीत यादव व एएन कॉलेज छात्र संघ उपाध्यक्ष कन्हैया कुमार कौशिक ने छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह को ज्ञापन दिया है। एएन कॉलेज छात्र संघ उपाध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अब तक नामांकन कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण कई सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। नाथनगर से चुनावी मैदान में उतरेंगे 14 उम्मीदवार। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव के प्रशासनिक तैयारी हो चुकी है। गुरुवार का दिन उम्मीदवारों के नाम वापसी का अंतिम दिन था, लेकिन एक भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया, जिसके कारण अब उपचुनाव में मैदान में 14 उम्मीदवार उतरेंगे। इसके साथ ही प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित कर दिया गया है, जो कि शुक्रवार को स्वीकृति मिलने के बाद उसे फाइनल कर दिया जाएगा। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि पहले स्तर की ट्रेनिंग भी मतदान कर्मियों को दे दी गई है। अब दूसरे चरण की ट्रेनिंग 11 अक्टूबर से शुरू होगी। बिहार की यूनिवर्सिटीज को 6500 से अधिक सहायक प्राध्यापक दिए जाएंगे।
प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट आने के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में 6500 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करवाएगा। हालांकि औपचारिक रूप से केवल 1-2 विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट आनी बाकी रह गई है, मगर विभाग ने अनौपचारिक तौर पर वहां की रिक्तियां का भी आकलन कर लिया है। इसी महीने के दूसरे हफ्ते में विभाग रिक्तियों की रिपोर्ट विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सौंप देगा। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा के प्रत्याशियों की हुई घोषणा। आगामी विधानसभा उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं कुछ निर्दलीय नेता भी चुनाव में हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश और बिहार की विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, अरुण जेटली के गुजर जाने के बाद यूपी की राज्यसभा की सीट खाली हो गई है, जिसके लिए भाजपा ने सुधांशु त्रिवेदी को उतारने का फैसला किया है। वहीं राम जेठमलानी के गुजर जाने के पश्चात बिहार विधानसभा की खाली हुई सीट पर भाजपा ने सतीश दुबे को उतारने का फैसला किया है। बीपीएससी 65वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड अब कर सकते हैं डाउनलोड। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने अपने एडमिट कार्ड www.bpsc.bih.nic.in या www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है। आपको बता दें, किसी भी प्रत्याशी को एडमिट कार्ड डाक सेवा से नहीं भेजा जाएगा। सभी उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड खुद ही डाउनलोड करना होगा। यह परीक्षा 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 35 जिलों के 718 केंद्रों पर होगी। पप्पू यादव के पास बाढ़ प्रभावितों के लिए दान देने पहुंचे आम लोग। जा प्रमुख पप्पू यादव इन दिनों बिहार में बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। बाढ़ की स्थिति में पप्पू यादव बाढ़ प्रभावितों के लिए मसीहा बनकर उतरे हैं। ऐसे में आम जनता भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान अब पप्पू यादव के जरिए बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाना चाहती है। इसी बीच नवादा जिले के एक शिक्षक राजकुमार प्रसाद ने अपने 1 महीने की पूरी सैलरी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए दान में दे दी है। लोगों द्वारा दान की राशि दिए जाने पर पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की निकम्मी सरकार को यह नजारा देख लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार बनेंगे जदयू के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे नीतीश कुमार का नामांकन पत्र उनके प्रतिनिधि पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी अनिल हेगड़े के सामने दाखिल किया गया है। गुरुवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जिसके बाद 5 अक्टूबर को नॉमिनेशन फॉर्म की जांच होगी और 6 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। तेजस्वी और तेज प्रताप के गायब होने पर सियासत हुई शुरू। बिहार के कई जिलों में हुए लगातार बारिश के कारण जलजमाव से आम जनता काफी परेशान है। ऐसे में राहत कार्य के लिए सरकार और कुछ विपक्षी पार्टियां बढ़ चढ़कर बाढ़ प्रभावितों की सेवा में जुटे हैं। ऐसे में राजद प्रमुख और उनके परिवार का किसी भी तरह का योगदान न होने पर सियासत शुरू हो चुकी है। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने तेजस्वी और तेज प्रताप के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में जीरो पर आउट होने के बाद दोनों नेता अंडरग्राउंड है। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी तैयारी शुक्रवार से हुई शुरू। इस महीने होने वाले 5 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव की गहमा गहमी शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एनडीए और बिहार महागठबंधन दल के प्रत्याशी आमने सामने हैं। दलों के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय दल के उम्मीदवार भी इस चुनावी मैदान में खड़े हैं। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए शुक्रवार से प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, यह चुनाव 21 अक्टूबर को होने वाला है। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना। बिहार में भारी बारिश ने पटना समेत राज्य के कई जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके कारण लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की ऐसी स्थिति पर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर पेपर का कटिंग डालकर कहा है कि पटना में बारिश से तबाही के लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। सरकार मुंह देखकर ना करे राहत सामग्री का वितरण। पैट परीक्षा की हो गई है पूरी तैयारी। पीएचडी एडमिशन टेस्ट की सारी तैयारी हो चुकी है। परीक्षा व रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद रद्द किया जा चुका पीएचडी एडमिशन टेस्ट इस बार पूरी तैयारियों के साथ आयोजित होगा। इस परीक्षा के लिए सिर्फ मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। हल्ला हंगामा ना हो, इसके लिए पहले हुई सभी गड़बड़ियों को दूर करने के बाद ही परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें, यह परीक्षा 6 साल के बाद हो रही है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हो पाई है।
अशोक चौधरी ने दी गिरिराज सिंह को नसीहत। पटना में हुए जलजमाव पर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में उलझी है। आए दिन भाजपा नेता गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। ऐसे में जदयू के नेता अशोक चौधरी ने गिरिराज सिंह को नसीहत देते हुए कहा है कि माननीय मंत्री जी को फिजूल में बयानबाजी करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि हमें पता है कि गिरिराज सिंह मीडिया में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। एरियल सर्वे पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में बारिश के कारण हुए जलजमाव का हाल जानने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एरियल सर्वे पर निकल गए हैं। वे हेलीकॉप्टर से बाढ़ और जलजमाव से जूझ रहे पटना और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें, पुनपुन नदी में अचानक से पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनपुन के इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। श्याम रजक ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर कसा तंज। जदयू के मंत्री श्याम रजक ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर बिहार में जगह जगह हुए जलजमाव पर तंज कसते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री जी को बिहार की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इस मुद्दे पर बयानबाजी करना जानते हैं। सुशील मोदी को सिर्फ बिहार की स्थिति दिख रही है, उन्हें पुनपुन में बाढ़ के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। वॉर फिल्म में दूसरे दिन भी की बंपर कमाई। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म ने पहले दिन 53 करोड़ की कमाई कर शानदार ओपनिंग की थी। वहीं दूसरे दिन भी इस फिल्म ने कुल मिलाकर 22 से 23 करोड़ की कमाई कर ली है। कुल मिलाकर अभी तक इस फिल्म ने 74 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आपको बता दें, यह फिल्म 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। अभी तक इस फिल्म के लिए दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। क्रिकेट खेलने के लिए बदला अपना रूप। 15 साल की क्रिकेट सनसनी शेफाली वर्मा ने रोहतक में लड़कियों के लिए क्रिकेट एकेडमी नहीं होने की वजह से लड़का बनकर क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश करने का फैसला किया था। शेफाली को एकेडमी की सुविधाओं का लुफ्त उठाने और क्रिकेट का प्रशिक्षण लेने के लिए लड़कों की तरह बाल भी कटवाने पड़े थे, क्योंकि जिन भी एकेडमियों में शेफाली गई वहां लोगों ने यह कहकर मना कर दिया था कि वह लड़की है। लेकिन हाल ही में शेफाली वर्मा ने महज 15 साल की उम्र में भारत की तरफ से डेब्यू करने का इतिहास रच दिया है। आरबीआई की रेपो रेट में 0.25% की हुई कटौती। आरबीआई देने जा रहा है दिवाली का तोहफा। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए लगातार पांचवी बार रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती करने जा रहा है, जिसके पश्चात रेपो रेट घटकर अब 5.15% हो गई है। पहले रेपो दर 5.40% थी। इसके अलावा आरबीआई ने रिजर्व रेपो रेट भी घटाकर 4.90% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट घटाकर 5.40% कर दिया है। के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।